सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को शो करने वाला हूं कि यहां पे जुलाई सिक्योरिटी पैच अभी तक कौन कौन से शाओमी डिवाइसेस में रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो फिर यहाँ पे जुलाई सिक्योरिटी पैच अभी तक बहुत सारे शाओमी डिवाइसेस में ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है। कौन कौन से डिवाइसेस में हो चुका है, फ्यूचर में कौन कौन से डिवाइसेस के लिए देखने के लिए मिलने वाला है, इसकी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जुलाई सिक्योरिटी पैच ट्रैकर फॉर शाओमी डिवाइसेस, तो इसके रिगार्डिंग मैं आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक आर्टिकल को भी नहीं देखा है तो इसका मतलब आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को वहाँ पर भी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले प्रोवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे जुलाई 2023 सिक्योरिटी पैच ट्रैकर फॉर शाओमी डिवाइसेस, तो यहाँ पे जून का सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी 40 प्लस शाओमी डिवाइसेस में रिलीज़ हो चुका है। तो अब इसी के साथ जुलाई सिक्योरिटी पैच ट्रैकर भी यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो सबसे पहला डिवाइस है शाओमी पैड 6 प्रो, इसके लिए 14.0.6.0 चाइना स्टेबल अपडेट। इसके बाद अगला डिवाइस मी 11X और इसके लिए 14.0.4.0 इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो रहा है। और इसी के साथ अगला डिवाइस रेडमी नोट 11S, इसके लिए 14.0.4.0 यूरोप स्टेबल अपडेट। रेडमी नोट 11 प्रो 4G, इसके लिए 14.0.3.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट एंड 14.0.2.0 यूरोप स्टेबल अपडेट। और इसी के साथ अगला डिवाइस पोको F4, इसके लिए 14.0.7.0 इंडोनेशिया स्टेबल अपडेट। शाओमी 11T प्रो के लिए 14.0.3.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट एंड शाओमी पैड 6 के लिए 14.0.4.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट एंड 14.0.3.0 इंडिया स्टेबल अपडेट जुलाई सिक्योरिटी पैच के साथ यहां पे रिलीज़ हो चुका है। और इसी के साथ अगले डिवाइसेस रेडमी नोट 12 टर्बो पोको F5, इसके लिए 14.0.21.0 एंड 14.0.21.1 चाइना स्टेबल अपडेट रिलीज़ हो चुके हैं। पोको X5 5G के लिए 14.0.4.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट। रेडमी नोट 12 5G के लिए 14.0.1.0 तैवान स्टेबल अपडेट एंड रेडमी नोट 12S के लिए 14.0.7.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट। तो यहाँ पे एक और डिवाइस को जुलाई सिक्योरिटी पैच अभी मिल चुका है, जिसका नाम है रेडमी 10C और उसके लिए 14.0.3.0 में ग्लोबल स्टेबल अपडेट जुलाई सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14.0.3.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट जो हमें जुलाई सिक्योरिटी पैच के साथ देखने के लिए मिल जाता है रेडमी 10C डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे अभी तक 18 डिवाइसेस में जुलाई सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स आ चुके हैं। फ्यूचर में आपको और भी डिवाइसेस में मिलेंगे, जैसे कि रेडमी की नोट 10 सीरीज़, और भी यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें जुलाई सिक्योरिटी पैच आने वाला है। जब भी रिलीज़ किया जाएगा, इनके रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट मैं सब कुछ क्रिएट कर दूंगा। तो आपको सिंपली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट MIUI अपडेट्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना।